नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी जून का महीना क्या कुछ खास संभावना मकर राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है। ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आकलन के आधार पर यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल मकर राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान मकर राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसमें मकर राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मकर राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय। राशिफल को हम बताने से पूर्व ग्रह स्थितियों की जानकारी आपको दे रहे हैं। किस प्रकार के ट्रांजिट और ग्रहों के परिवर्तन जून 2022 में होने जा रहे हैं, उससे पहले हम आपको बता दें कि मकर राशि वाले जातकों के ऊपर शनिदेव की साढ़े साती का प्रभाव भी वर्तमान समय में चल रहा है। तो वैसे तो मकर राशि वाले जातकों के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति की प्रधानता होती है। मकर राशि वाले जातक जीवन में विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करने वाले जातक होते हैं। हर प्रकार की स्थितियां आप अपने जीवन में प्रतिकूल और विपरीत परिस्थितियों के अनुसार डटे रहने वाले, उस परिस्थितियों में ढलने की क्षमता आपके अंदर अभूतपूर्व होती है। मकर राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में काफी ज्यादा सफल देखा गया है और मकर राशि वाले जातकों के अंदर जिम्मेदारी की प्रधानता बहुत ज्यादा होती है। तो मकर राशि वाले जातकों के जीवन में, बहुत सारे जातकों के जीवन में शनि की साढ़े साती के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे मकर राशि वाले जातकों के मन में उत्साह कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा आ रहा है और कुछ समय के उपरांत आपका जो मनोबल और उत्साह है डाउन हो रहा है। बहुत सारे मकर राशि वाले जातकों को अपने जीवन में करियर और भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है। आर्थिक संकट का सामना बहुत सारे मकर राशि वाले जातकों को करना पड़ रहा है। तो कुछ विशेष और धार्मिक उपाय शनिदेव से जुड़ा आपको हम बताएंगे, जिसको यदि आप करेंगे तो शनि की पीड़ा से आपको राहत तुरंत देखने के लिए मिलेगी। अब बिना समय लिए आपको ग्रह स्थितियों की जानकारी दे रहे हैं। इस महीने आपके राशि के स्वामी शनिदेव मूल त्रिकोणस्थ होकर आपके राशि से द्वितीय भाव में पूरे महीने तक गोचर में रहने वाले हैं। शनि ही आपके जीवन में आपके राशि को नियंत्रित रखने का कार्य करते हैं। गुरु और मंगल की युति आपके राशि के पराक्रम भाव पर बनी हुई रहने वाली है, जिसमें मंगल 27 जून 2022 तक आपके राशि से पराक्रम में ही रहेंगे। जून की शुरुआत में शुक्र और राहु की युति आपके राशि के सुख भाव पर बनी रहेगी, जिसमें 18 जून को शुक्र का राशि परिवर्तन भी हो रहा है और केतु आपके राशि से दशम भाव में गोचर करने वाले हैं। सूर्य और बुध, ये दो प्लेनेट आपके राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे। बुधादित्य योग का निर्माण भी होगा और 15 जून 2022 को सूर्यदेव आपके राशि के पंचम भाव से निकलकर राशि के छठवें भाव में चले जाएंगे। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां मकर राशि वाले जातकों आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो अगर करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से जून के महीने में आपको जानकारी दिया जाए, देखिए करियर का विचार राशि के दशम भाव से करते हैं और दशम भाव पर केतु मौजूद रहने वाले हैं पूरे महीने। आपके राशि के पराक्रम भाव में मंगल और गुरु मौजूद होकर मंगल की अष्टम दृष्टि आपके राशि के कर्म भाव पर जा रही है। तो यहां पर मकर राशि वाले जातकों के लिए जो समय रहेगा करियर के मामले में श्रेष्ठता दे रहा है। मकर राशि के पुराने समय से यदि आपके कार्य पेंडिंग में पड़े हुए थे, कार्यों के रुके रहने की संभावना के कारण आपके मन में हताशा और निरुत्साहिता देखने के लिए मिल रही थी, यह स्थिति आपके जीवन से दूर होगी। हालांकि हड़बड़ाहट में आपका जो डिसीजन है गलत भी हो सकता है। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके राशि के दशम भाव पर आ रही है, तो मकर राशि वाले करियर के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को सफलता के लिए जो प्रयास है अनिश्चितता पूर्वक नहीं करना चाहिए,
और भाग दौड़ पूर्वक आपको कार्य करने से भी बचने की प्रबल आवश्यकता इस महीने रहने वाली है। धैर्य मेहनत बनाकर आपको निरंतरता के साथ चलने की भी आवश्यकता इस महीने रहेगी। काम के क्षेत्र में धैर्य बनाकर आप जरूर चलें। व्यापारिक सिलसिले में यात्राएं आपकी काफी ज्यादा हो सकती है। मकर राशि के ऐसे जातक जो बैंकिंग सेक्टर में कार्य करते हैं, ज्वेलरी का शोरूम आपका किसी प्रकार से है, शेयर बाजार से आपका संबंध है, या मकर राशि के ऐसे जातक जो जमीन जायदाद से जुड़े हुए मुद्दों में संलग्न है, जमींदार हैं, बिल्डिंग मटेरियल और हाउस को बेचने का कार्य करवाते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य यदि आपका है तो आपको बड़ी सफलता यहां पर देखने के लिए मिलेगी। उसके साथ साथ खेती और पशुपालन का कार्य कर रहे मकर राशि वाले जातकों के लिए भी समय श्रेष्ठता यह दे रहा है। मकर राशि के धन के मामले में अगर इस महीने जानकारी दिया जाए, राशि के द्वितीय भाव से धन का विचार करते हैं और राशि के द्वितीय भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं जो स्वयं द्वितीय भाव में ही मौजूद रहने वाले हैं, और धन के कारक गुरु बृहस्पति आपके राशि के लाभ भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए धन के मामले में यह जो समय रहेगा वो पराक्रम के द्वारा जीवन में आप धनार्जन कर पाएंगे, क्योंकि लाभ भाव के अधिपति पराक्रम भाव में मौजूद होकर धन भाव पर दृष्टि दे रहे हैं तो आमदनी में वृद्धि होने की प्रबल संभावना तो जरूर दिखाई देगी, परंतु हाथ पर हाथ रखकर आप जीवन में धन अर्जन नहीं कर सकते हैं। इसमें मकर राशि वाले जातकों के जीवन में दाम्पत्य सुखों की बढ़ोतरी होने से मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिलेगी और ससुराल पक्ष से आपको धन अर्जन होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। मकर राशि वाले जातकों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज धन के मामले में ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। शुक्र आपके जीवन में धन के मामले में श्रेष्ठता और बेहतरीन संभावना दे रहे हैं। राहु और शुक्र की युति राशि के चतुर्थ भाव पर बनी हुई है तो यहां पर आपके लिए संभावना श्रेष्ठ और बेहतर बन रही है। मकर राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, पारिवारिक जीवन आपका बेहतर रहने वाला है। इस महीने मकर राशि वाले जातकों के परिवार में भवन, वाहन या भूमि से संबंधित किसी प्रकार के बड़े सुखों को प्राप्त होने की संभावना बन रही है। आपको इस समय अंतराल में पारिवारिक जीवन में ज्यादा व्यस्तता देखने के लिए मिलेगी। भाग दौड़ काफी ज्यादा रहेगी। परिवार के सदस्यों के साथ आप अपना कीमती समय बिताने के लिए कम समय निकाल पाएंगे और मकर राशि वाले जातकों के जीवन में यदि पूर्व के समय से किसी प्रकार के नोक झोंक भरी संभावना देखने के लिए मिल रही थी उसके दूर होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। मकर राशि वाले जातकों के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर जानकारी दिया जाए तो देखिए प्रेम संबंध के मामले में जो समय 15 जून तक का रहेगा वो प्रतिकूलताओं से भरा हुआ रह सकता है, इसलिए मकर राशि वाले जातकों को सावधानी बरतने की प्रबल आवश्यकता प्रेम संबंध में रहने वाली है। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से आपके लिए जून का महीना बेहतर रहेगा। गुरु बृहस्पति राशि के पराक्रम भाव में मौजूद होकर अपनी दृष्टियों से वैवाहिक जीवन यानी सप्तम भाव को देख रहे हैं तो यहां पर आपके जीवन में पार्टनर को लेकर यदि किसी प्रकार की गलतफहमी बनी हुई थी उसमें सुधार होने की प्रबल संभावना दिखाई देगी। मकर राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा के मामले में भी समय बेहतर रहेगा। वही सेहत के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, राशि के छठवें भाव के स्वामी बुधदेव बनते हैं और बुध की उपस्थिति सूर्य के साथ राशि के पंचम भाव पर बनी हुई रहेगी और मकर राशि वाले जातकों को इस समय अंतराल में सेहत के प्रति ज्यादा लापरवाह होने से भी बचना चाहिए। मकर राशि के जातक यदि आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखकर चलने पर विश्वास रखेंगे तो पूरे जून का महीना सेहत के मामले में भी बेहतर है। राशि के छठे, आठवें और बारहवें भाव में ज्यादा प्रतिकूल और नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव नहीं बना हुआ है तो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से ज्यादा किसी प्रकार की समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। यदि पूर्व के समय से मकर राशि वाले जातकों को पेट से जुड़ी हुई, हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या बनी हुई थी
या मकर राशि वाले जातकों को मन में उलझन और तनाव भरी स्थितियां बनी हुई थी उसके दूर होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। तो यह तो रहा मकर राशि वाले जातकों के लिए जून के महीने का राशिफल। अब इस महीने को बेहतर करने के लिए मकर राशि वाले जातकों को कुछ विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। शनिवार के दिन स्नान ध्यान और दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के उपरांत पीपल के वृक्ष के नीचे आप चले जाएं और आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। दशरथ रचित शनि स्त्रोत का पाठ आपको करना चाहिए। जन्म कुंडली पर यदि शनि की प्लेसमेंट खराब बनी हुई है और साढ़े साती का प्रभाव जब से आपके जीवन में आया तब से यदि आपको लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है तो मकर राशि वाले जातक शनि के मंत्रों का जप जरूर करें। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों को हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बेहतर रहने वाला है। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन विशेष रूप से मीठे प्रसाद का भोग जरूर लगाएं। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखना चाहिए, यथा उचित दाने चारे का प्रबंध जरूर करना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2022 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।